अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, IAS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। आज बतारीख 11 जून 2023 को अंडेला श्री रामुलु महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी BJP इंचार्ज की जानिब से सैयद ख्वाजा पाशा BJP माइनॉरिटी लीडर ने नाहदी होटल से वादी मुस्तफ़ा जाने वाली रोड का जायज़ा लिया। वहां पर मेन होल के ढक्कन खुले थे, ढक्कन डाले गए। सैयद ख्वाजा पाशा ने IAS न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए ये कहा है कि अब बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, अगर बारिश होगी तो ये पाउडर और कंक्रीट बह जाता है, जल्द से जल्द ये रोड का काम होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है। और सैयद ख्वाजा पाशा ने एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी से कहा है कि आप काम कराइए वरना जनता वोट के ज़रिए जवाब देगी, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आप बदंगपेट, लेली नगर, कुत्तुकुगुड़ा, महेश्वरम, जलपल्ली, यहाँ पर काम हो रहे हैं, माइनॉरिटी हलकों में नहीं हो रहे हैं, ये पेंडिंग काम है। अगर बोलते हैं तो आपको तनख़ीद दिखती है, हम आपकी नाकामी बता रहे हैं। यहाँ पर आवाम को जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, ऑटो गाड़ियाँ एम्बुलेंस तक नहीं जा सक रही है, कारोबारी लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ काम नहीं होंगे तो इंशाल्लाह फिर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर एहतजाज भी मुनज़िम करेंगे और अंडेला श्री रामुलु का दौरा भी कराएंगे, फिर जब आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। माइनॉरिटी के वोट लेते लेकिन नाइंसाफ़ी करते हैं। पेश है IAS न्यूज़ नेटवर्क से ये खसूसी रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ये नादी होटल से जो वादी मुस्तफ़ा जो रोड जा रही है वहाँ पर हूँ। 3-4 दिन पहले मैं पेपर में और मीडिया में भी डाला था ये रोड के बारे में, और ढक्कन खुले हैं बल्कि मेनल के। खैर जब भी हम शोर बेदार कर रहे हैं, हरकत में आ रहे हैं, ये तो खामोश बैठ जा रहे हैं। अब यहाँ पर मिरक चालू होगा, बारिश का यानी मौसम चालू है, अगर एक पानी पड़ेगा तो पूरा ये कंकर और पाउडर बह जाता। तो हमारा मुतालबा यही है कि आप जगह तो जागरण तो सो जा रहे हैं, तो लिहाजा रोड का काम कराना चाहिए क्योंकि बहुत पेंडिंग है। दूसरे हलकों में पूरे काम हो रहे हैं मगर नादी होटल से जो वादी मुस्तफ़ा आती बस्ती की मेन रोड है, ये मेन रोड पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब इलेक्शन आता तो वोट लेते माइनॉरिटी के, हाथ जोड़ते, तो ये नाइंसाफ़ी क्यों? आज 1.5 साल से आवाम यहाँ की मुतासिर है, यहाँ के कारोबार वाले और आने जाने के लिए पब्लिक, अगर कोई ऑटो वाले जा रहे हैं तो जाना कैसा, एम्बुलेंस जा रही तो कैसा जाना। तो इसलिए क्या है, हम अगर बोले तो तनखीद कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तनखीद नहीं कर रहे, तुम्हारी नाकामियाँ बता रहे हैं। तो लिहाजा ये काम जो है जल्द से जल्द होना चाहिए और इंशाल्लाह जब जब हम कोई चीज़ मीडिया में डाल रहे हैं तो हरकत में आके काम कर रहे हैं। तो आपको हम शोर बेदार करे बाद ही जागते क्या? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप वोट लिए ना। मैं एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी को ये बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन बहुत करीब है, आप आपके नाकामियों को छोड़िए, आप अपना काम करिए, वरना फिर आवाम यहाँ का वोट के ज़रिए से जवाब देंगी। और इंशाल्लाह कई हलकों में बड़ंगपेट ले लो आप, लीली नगर ले लो, मैसरम ले लो, तुगुड़ा ले लो, जलपल्ली ले लो, बालापुर ले लो, छक एरिए, यहाँ पर माइनॉरिटी के हलकों में क्यों नाइंसाफ़ी है? अब हम बोलते तो बोल रहे हैं कि बहुत काम हो रहे हैं, सेंक्शन हो रहे हैं। अरे भाई हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं कोई बोल रहे, जहाँ होना है वहाँ नहीं हो रहे, ये पेंडिंग काम कराओ बोल रहे हैं आपको। लिहाजा मैं अंदरा श्री रामलो मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कॉन्टेस्टेड MLA की जानिब से आया हूँ। अगर ये काम जल्द से जल्द नहीं, तो मैं बार बार वार्निंग भी दे रहा हूँ आपको, अपील भी कर रहा हूँ, फिर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। तो लिहाजा एक काम कराइए। मैडम को मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, देखिए इलेक्शन है, बहुत जल्द से जल्द करीब है, ताकि आवाम फिर इलेक्शन के वोट के ज़रिए से आपको जवाब देंगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हम शोर बेदार करते जाएंगे और बताते जाएंगे आपके नाकामियाँ आ रही, एक ढक्कन डाल दे रहे हैं फिर वो गाड़ियाँ का ढक्कन टूट जा रहा। अरे पक्का काम करो, रोड का काम करो ना भाई। आज इतने लोग मुतासिर है, जाने आने तकलीफ़ हो रही, कारोबार यहाँ के ठप हो गए, मगर कोई पुरसाले हाल नहीं है। लिहाजा खबरदार और होशियार, ये वार्निंग समझो या अपील समझो आप।